أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ what is an adverb what are its types and what is the order of different adverbs in a sentence today we are going to do practice of adverbs آج ہم نے adverb کی practice کرنی ہے आपको मैंने एक बड़ा आसान सा जुगाड़ बताया था कि आप डिफरेंट एडवर्ब्स को ढूंढने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए आप उस वर्ब से जो यूज़ हो रहा है फिक्रे में उससे मुख्तलिफ सवालात करें वो कौन कौन से सवालात हैं कैसे कहाँ कब 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 किस लिए कैसे कहाँ कब 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 किस लिए कब 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 अलहदा से है और किस लिए अब मैं आपके सामने एक बिल्कुल सादा सा उर्दू में एक फिक्रा बोलता हूँ उर्दू का आपने मुझे बताना है इसमें कौन सा एडवर्ब यूज़ हुआ हुआ है बच्चा खूबसूरती से छत पर हर रोज रात के वक्त हमसायों को खुश करने के लिए नाचता है मैं इधर लिख देता हूं आप देखिए कितना बड़ा फिक्रा ये बन रहा है बोर्ड मार्कर अगर है तो फिर दोबारा बोल रहा हूं बच्चा खूबसूरती से छत पर हर रात नौ बजे हमसायों को खुश करने के लिए नाचता है हमारे पास ये फिक्रा है बच्चा खूबसूरती से छत पर हर रात 9 बजे हमसायों को खुश करने के लिए नाचता है अब होता क्या है हमारा ये एक रवैया बन चुका है कि हम जैसे ही देखते हैं ना कि कोई फिक्रा बड़ा सा आ गया है तो हम घबरा जाते हैं हमारे पसीने छूट जाते हैं डर जाते हैं कि पता नहीं ये अब हमें मुंह में निकल जाएगा हमसे तो ये नहीं होगा ठीक है मतलब हमसे ये होगा ही नहीं ये कैसे हम करेंगे इतना बड़ा फिक्रा मतलब बड़ा फिक्रा देखते ही ना इंग्लिश का बच्चे घबरा जाते हैं ज़्यादातर हमारा रवैया ये बन चुका है हालांकि हम वो कर सकते होते हैं मतलब कभी हमने गौर ही नहीं किया कि हम इस फिक्रे से भी बेहतर फिक्रे बना सकते हैं इससे भी बड़े फिक्रे आ जाएं तो वो भी बना सकते हैं तो आप गौर करें इसमें अंदाज क्या है अच्छा इसमें वर्ब कौन सा है वर्ब कौन सा है आप बताएं जरा इस फिक्रे में वर्ब कौन सा है ये उर्दू का जो फिक्रा मैंने लिखा है इसमें फेल कौन सा है वो काम क्या कर रहा है नाचता है ये है वर्ब इसका मतलब है कि ये यहां पर आ जाएगा ठीक है तो इसकी क्या इंग्लिश है डांस लेकिन चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये डांसिस हो जाएगा ठीक है बच्चे की इंग्लिश क्या है चाइल्ड बेबी किड ठीक है अ चाइल्ड अ बॉय अ बेबी ठीक अ बेबी डांसिस ये हमारा बुनियादी फिक्रा बन गया अब आप देखें हमने ढूंढना है एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे नाचता है कैसे का क्या जवाब है खूबसूरती से ठीक है कैसे नाचता है खूबसूरती से और मैंने आपको क्या बताया कि हम एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनाते हैं डबल एल वाई या एल वाई आ सकते हैं तो इसके साथ डबल एल वाई आ जाएगा ब्यूटीफुली ठीक है अब कहां नाचता है छत पर ऑन द रूफ कब कब नाचता है हर रात नाचता है ईच नाइट
ईच नाइट एवरी नाइट, ठीक है, ईच नाइट एवरी नाइट, तसलसल है इसमें कि ये काम वो लगातार कर रहा है, ठीक है। अब टाइम आ गया, कब नाचता है, एट 9 o'clock, मतलब हर रात तो नाचता ही है, लेकिन रात में भी तो एक फिक्स टाइम है ना, ठीक है, तो एट 9 o'clock। किस लिए नाचता है, हमसायों को खुश करने के लिए, तो हमने क्या लगाना है, टू एम्यूज नेबर्स, अब हमारे पास फिगर क्या बना, आ चाइल्ड या द चाइल्ड dances beautifully on the roof each night at 9 o'clock to amuse neighbors। अब मैं, आप लोगों ने ये फिक्र प्रैक्टिस आपने करनी है, बार बार बोलना है, मैं कहता हूं कि एक हाथी, बाकी सारा उसी तरह ही है, तो कहां पे चेंज होगा, एक हाथी आप फिर उसी तरह बैठे, मतलब कोई पता नहीं है कि क्या डील कर रहा हूं कहां पे, ठीक है, तो आ चाइल्ड की जगह पे अब मैं बोल रहा हूं एक हाथी, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट डांसिस ब्यूटीफुली ऑन द रूफ ईच नाइट एट 9 o'clock टू अम्यूज नेबर्स, ठीक है। मैंने यहां पे चाइल्ड की जगह पे क्या लिख दिया, एन एलिफेंट, एन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एलिफेंट का ई जो है वो वॉवल है, इसलिए उसके साथ आर्टिकल एन लगाना है। बाकी सारा उसी तरह, बाकी सारा फिक्र उसी तरह ही है। मैं कहता हूं एक भैंस, तो क्या लगाऊंगा, अब बैफलो, अब बैफलो डांसिस ब्यूटीफुली, ठीक है। मैं कहता हूं एक कुत्ता, अ डॉग, एक परिंदा, अ बर्ड, एक औरत, अ वूमेन, ठीक है। तो जितने मर्जी, यानी कि सब्जेक्ट चेंज करके भी आप फिक्रे बना सकते हैं, और एडवर्ब यहां पे वर्ब भी चेंज करके आप फिक्रे बना सकते हैं, यहां डांसिस की जगह पे सिंग्स लगा ले, ठीक है। अ वुमन सिंग्स ब्यूटीफुली ऑन द रूफ ईच नाइट एट 9 o'clock, टू अम्यूज नेबर्स, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप देखें कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के साथ आता है, हम यहां पे कोई एडजेक्टिव का, एक मोटा हाथी, अ फैट एलिफेंट, अब मैं आ लगा रहा हूं क्योंकि फैट आ गया है, एफ कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एक मोटी औरत, एक काली भैंस, अ ब्लैक बैफलो, ठीक है, ब्राउन बैफलो, डांसिस सिंग्स वॉक्स, चेंज करते जाएं, ठीक है। आप 10 मिनट में कम से कम 100 फिगरा लिखने पढ़ने बोलने के काबिल हो सकते हैं, अगर थोड़ी सी तवज्जो है तो, ठीक है। डांसिस वॉक्स सिंग्स रन्स क्लाइम्स अप, जैसा फिगरा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। सिट्स, सिट्स ऑन द रूफ, ठीक है, सिट्स ऑन द रूफ, अ चाइल्ड ब्यूटीफुली सिट्स ऑन द रूफ, ठीक है। आ चाइल्ड सिंग्स ब्यूटीफुली ऑन द रूफ, आ चाइल्ड क्लाइम्स अप ब्यूटीफुली ऑन द रूफ, आ चाइल्ड रन्स ब्यूटीफुली ऑन द रूफ, आ चाइल्ड वॉक्स ब्यूटीफुली ऑन द रूफ। तो वर्ब चेंज करते जाएं, सब्जेक्ट चेंज करते जाएं और फिक्रे बनाते जाएं। ऑन द रूफ की जगह पे आप ऑन द ट्री लगा लें, ठीक है भाई, जहां पे है वो जगह बतानी है ना, ऑन द ट्री, ऑन द रोड, इन द स्ट्रीट, इन द हाउस, इन द कैनाल, जितने मर्जी फिक्रे बनाते जाए, इन द एरोप्लेन, इन द स्काई,
ईच नाइट की जगह पे आप एडवो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, एवरी नाइट, एवरी डे, डेली, ईच नाइट, ठीक है, टाइम भी तब्दील कर सकते हैं, टू अम्यूज द नेबर्स, आप इसकी जगह पे भी लोगों को तंग करने के लिए, भाई मकसद है ना, किस लिए, लोगों को तंग करने के लिए, टू टीज द नेबर्स, टू टीज द पीपल, लोगों को सिखाने के लिए, टू टीच द पीपल, लोगों को तफरीह पहुंचाने के लिए, टू एंटरटेन द पीपल, तफरीह पहुंचाने के लिए, टू एंटरटेन द पीपल। तो मुख्तसर ये कि आप सिर्फ एक फिक्रा बनाने के काबिल हो जाएं, आप सैकड़ों हजारों फिक्रे बनाने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह का कोई और फिक्रा ले लें, उसको चेंज करते जाएं, बनाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। सिर्फ तरतीब, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स का ख्याल रखना है, और वो मैंने आपको बताया कैसे, कहां, कब 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 किस लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके कार की समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह।